तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली आज मेरा एनएस पे और जो ऐसे केटीएम वाला जो हैंडल है अग्रिम ने पहले इंस्टॉल किया था उसी गाड़ी पे, ऐसे ही लगा रहा हूँ। सो 3000 रुपीस ऑनलाइन पे प्राइस है। एंड ये है केटीएम का जो हेलमेट, केटीएम का जो हैंडल ओरिजिनल स्पेयर्स पर, ये इधर देखो मॉडल नंबर है। और इस साइड पे ये जो है ये पहले इधर बैठेगा, इसके बाद उसके ऊपर ये जो चीज़ है ये करके फिट होगा राइजर देके। सो इसका जो प्रोसेस है मैं वीडियो पे कर लूँगा। सो उससे पहले जो इधर का क्लिप ऑन था वो पहले खुलना पड़ा, और इस साइड का क्लिप ऑन तो खुलने में मतलब जाने निकल गया, बट हो गया। चलो अभी जो है इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाता हूँ क्या क्या है। और इसका प्राइस हम लोगों का पड़ा, क्योंकि वो पहले लगाया था 3000 से, सो उसके लिए हम लोगों का कुछ डिस्काउंट मिला है। सो ऐसे ये जो प्लेट है ये प्लेट इधर इंस्टॉल होगा ऐसे करके, इधर जो क्लिप ऑन का दोनों नाट है यहाँ में। सो इससे ऊपर मतलब इससे नीचे पहले ये जो है ये राइजर बैठेगा, मतलब ये प्लेट पहले बैठेगा इधर ऐसे करके, ये प्लेट पहले बैठेगा प्लेट के ऊपर, ऐसे राइजर बैठेगा। सो इसके लिए हैंडल थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग, मतलब एक बार जो है उसके बाइक में दिखा देता हूँ कैसे क्या है। ये देखो इधर पहले प्लेट बैठा, उसके बाद ये जो है राइजर, उसके ऊपर हैंडल का होल्डर एंड हैंडल, दिस इज द थिंग। बट ये जो है राइजर ये पहले से स्टिकर किया है गोल्डन का इसके लिए, और मेरा जो है ब्लैक कलर में अभी है, मैं भी बाद में स्टिकर कर लूँगा। अभी मैं प्लेट एक साइड पे स्क्रू देके टाइट भी कर दिया, और इस साइड पे अभी दे रहा हूँ मतलब एलन बोल्ट है, एलन बोल्ट से। और इसके ऊपर बैठेगा जो है ये राइजर, और उसके ऊपर हैंडल होल्डर, उसके बाद हैंडल, बस। ये जो प्लेट है प्लेट पूरा बैठ गया है, अभी जो है राइजर देके हैंडल में हैंडल इंस्टॉल करने वाला हूँ। सो राइजर में अग्नि बोल रहा है कि जो रॉबर वाशर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा उसका गाड़ी में वाइब्रेशन का इशू आ रहा है, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट वैकेंसी की रॉबर वाशर देके उसके ऊपर राइजर देंगे। सो इससे आई थिंक थोड़ा सा वाइब्रेशन में कम होगा, सो लेट्स सी। चलो सो अभी जो है ये जो राइजर ये टाइट करने वाला हूँ इधर देके, आई थिंक ऐसे। सो चलो अभी जो है हैंडल का जो नीचे वाला होल्डर है वो इंस्टॉल हो रहा है। देखो इधर राइजर लग गया, और उसका ऊपर रबर वॉशर भी, और इधर रबर वॉशर भी दे दिया। अभी देखता है कि वाइब्रेशन कम होता है कि नहीं, क्योंकि उसका गाड़ी में थोड़ा सा वाइब्रेशन का इशू आ रहा है। सो यही एक बात है। और मैंने भी मोटो डीसी से, मतलब मैं वो उसके अकाउंट से ही वो मोटो डीसी से ऑर्डर किया था अग्निम ने। सो मेरा गाड़ी मतलब ये जो हैंडल का पार्ट नंबर अलग है, उसका गाड़ी का अलग है, हालांकि दोनों गाड़ी का ही, इसका भी KTM ड्यूक का है, उसका भी KTM ड्यूक KTM 390 जो पुराना जेनरेशन का था उसका था। सो दिस इज़ द थिंग, पार्ट नंबर अलग है बट प्रोडक्ट एक ही है। सो अभी जो फाइनल हैंडल का जो इंस्टॉलेशन है, मतलब जो ये वाला चीज़ ये स्विच गियर दोनों साइड का वो इंस्टॉल करके हैंडल फिट करने वाला हूँ, और उसके बाद लोकल गैरेज पे जाके वो हैंडल को टाइट करने वाला हूँ। सो अभी देखो हैंडल इंस्टॉल हो गया, बट इधर का जो होल है, मतलब ये जो हैंडल एक्चुअली KTM का है, तो ड्यूक के मुताबिक ये हैंडल का इधर होल किया है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने ये NS पे फिट किया तो इधर एक होल करना पड़ेगा। इस साइड के भी सेम सीन है, तो इसके लिए ऐसे ही करके गाड़ी को लोकल गैरेज लेके जाके उसके ऊपर ड्रिल करके उसके बाद ये जो स्विच गियर है ये फिट होगा। तो अभी के लिए हैंडल इंस्टॉल हो गया, एंड मतलब मेरा जो सीटिंग पोजीशन है उसके मुताबिक ये चीज़ हम लोगों ने टाइट कर दिया। सो दिस इज़ द थिंग, ऑलमोस्ट मतलब 80% वर्क डन, और जो है ये ड्रिल करके उसके बाद ये सब चीज़ फिट करना है, बस दैट्स इट। सो हियर गाइस, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दैट KTM ड्यूक हैंडल बार ऑन NS 200।
इधर एक सिल्वर पार्ट आता है जो सस्पेंशन का था, वो एक्चुअली ऑलरेडी मैं स्टिकर कर लिया। इधर भी ब्लैक पार्ट आता है, वो गोल्डन स्टिकर कर लिया। सो हियर दिस इज द थिंग। KTM ड्यूक का जो लुकिंग ग्लास आता है फ्लिपकार्ट से लिया हूँ, अभी प्राइस है 650 रुपीज़ के आसपास। सो ये भी इंस्टॉल किया है। और हियर द फाइनल लुक। एक्चुअली जिस दिन हैंडल लगाया उस दिन, उसके बाद मतलब एकदम रात हो गया था, ऑलमोस्ट नियरली 6 बजे के बाद। सो उस दिन वीडियो नहीं किया था, और उसके बाद मेरा तबीयत भी थोड़ा सा बिगड़ गया था, तो लगभग एक वीक के बाद मैं जो है वीडियो दे रहा हूँ, मतलब वीडियो बना रहा हूँ। तो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दैट इनिस हैंडल बार। इधर से देखो ऑलमोस्ट ड्यूक का जो है हैंडल लग रहा है। सो दिस इज द थिंग। हियर्स माई डोडो। सो एंड ये भी टैंक पैड मैंने अमेजोन से लिया है, 270 रुपीज़ के आसपास पड़ा था। सो दिस इज द थिंग। एंड ये हैंडल के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन है तो डू कमेंट डाउन बिलो। सो या थैंक यू एक्सप्लोर राइडर साइनिंग ऑफ।